किसान साथियों नमस्कार। बात कर लेते हैं इंदौर मंडी के आज के फाइनल भाव के बारे में। किसान साथियों अगर फाइनल भाव की बात करें तो आज का जो माहौल है, आज का जो दिन है, कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ नज़र आया है। किसान साथियों आवक की अगर बात करें तो आवक सुबह से लेकर पूरा दिन की जो स्थिति है वो 60 से लेकर 70,000 कट्टे के बीच में देखने को मिली हुई है। कल से 10-15,000 कट्टे कम देखने को मिली है। कल 80-85,000 कट्टे देखने को मिली थी, लेकिन आज जो आवक है वो 60 से लेकर 70,000 कट्टे के बीच में देखने को मिली हुई है। तो अगर रेट की बात करें किसान साथियों, कल जो अच्छा वाला प्याज था वो 33-34-3500 बिकता हुआ नज़र आया था, लेकिन आज जो अच्छा प्याज है वो 36-37-3800 बिका हुआ है। हाईएस्ट 40-41 सौ प्याज बिकता हुआ नज़र आया है आज के दिन इंदौर मंडी में। किसान साथियों मतलब हम प्याज के अगर भाव की बात करें तो काफ़ी हद तक प्याज का जो भाव की स्थिति है बहुत ही शानदार देखने को मिली है, अच्छी देखने को मिली है। हम कह सकते हैं प्याज की जो स्थिति है काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, जिससे प्याज का जो स्तर है काफ़ी बढ़ने के आसार पर नज़र आ रहा है किसान साथियों। और आवक भी कहीं ना कहीं समृद्धि हुई नज़र आ रही है। आवक का जो एवरेज न्यूनतम भाव है, आवक की अगर बात करें तो आवक कहीं ना कहीं किसान भाई भी समझ चुके हैं 50 से लेकर 60-70,000 कट्टे के बीच में अगर लेके चलेंगे तो मंडी में अच्छा भाव देखने को मिलेगा। कल से लेकर आज 19 देखने को मिला है हल्का सा भाव, 1 रुपये की उछाल हम कह सकते हैं देखने को मिली हुई है मंडी में किसान साथियों प्याज के भाव को लेकर। और प्याज की जो अपडेट रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार देखने को मिली है। अदर मंडियों की बात करें तो अदर मंडी से लेकर इंदौर मंडी में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की एक इंदौर मंडी ऐसी है जहां पर भाव बहुत ही अप देखने को मिले हैं आज के दिन इंदौर मंडी में प्याज के भाव को लेकर। फाइनल भाव की जो स्थिति है काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिली थी। हम कह सकते हैं ऊपर में जो हाइएस्ट क्वालिटी का जो प्याज होता है, जो सुपर क्वालिटी का प्याज होता है, वो कहीं ना कहीं 4100-4200 देखने को मिला हुआ है। उसी के बाद अगर मीडियम क्वालिटी के प्याज की बात करें तो 3000 रुपये से लेकर 32-33-34-3500 बिका हुआ है किसान साथियों। छोटे छटन मिक्स गोल्टा गोल्टी प्याज की अगर बात करें तो न्यूनतम भाव के अनुसार अगर बात करें किसान साथियों तो कहीं ना कहीं एवरेजन माल 2000-1500-1000 के रेंज में बिकता हुआ नज़र आया है। स्थिति बहुत अच्छी है इंदौर मंडी के किसान साथियों प्याज के भाव को लेकर। कहीं ना कहीं प्याज के जो भाव का स्तर है बहुत अच्छा देखने को मिला है। अगर बात करें दिल्ली आज़ादपुर और सभी मंडियों की बात करें तो सभी मंडियों की जो स्थिति है ऑल ओवर इंडिया की, वो हाईएस्ट 3000 से लेकर 3500-3600-3700-3800 4000-4100-4200 के एवरेजन जो माल हैं किसान साथियों वे बिकते हुए नज़र आ रहे हैं। मोस्टली अगर दिल्ली आज़ादपुर मंडी की बात करें तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में जो मोस्टली भाव है कहीं ना कहीं किसान साथियों वो न्यूनतम के दर स्तर से बिकता हुआ नज़र आ रहा है। हम इस भाव के बारे में कह सकते हैं भाव का जो स्तर है वो किसान साथियों ऑल ओवर स्थिति के मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं किसान साथियों जो भाव की स्थिरता बनी हुई है, इसको हम कह सकते हैं जो रुकावट वाले भाव नहीं एक तेज़ी भरे भाव देखने को मिल रहे हैं मंडी में। मंडी का न्यूनतम स्कोर अगले स्कोर से काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है किसान साथियों।